नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में हम जो आप ये स्क्रीन पर अपने सामने ये ड्राइंग देख रहे हैं, इसका 3D मॉडल हम जनरेट करेंगे। ये ऑर्थोग्राफिक व्यूज आपको नजर आ रहे हैं इस ड्राइंग में, तो इनकी मदद से हम जो है 3D मॉडल बनाएंगे। अंतर आज के ट्यूटोरियल में क्या है कि अभी तक हमने ऑटोकैड यूज किया, सॉलिड वर्क्स यूज किया, केटिया यूज किया, लेकिन आज जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो होगा ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2017 वर्जन। ऑटोडेस्क के बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर्स में से एक है ये सॉफ्टवेयर। ये भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है बेसिकली, और जिस तरह से फीचर्स आपने सॉलिड वर्क्स और केटिया में देखे उसी तरीके के फीचर्स आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये इट इज क्वाइट सिमिलर टू ऑटोकैड। मतलब ऑटोकैड की जैसा ही GUI आपको इसमें देखने को मिलेगा। फीचर वाइज ये काफी एडवांस है ऑटोडेस्क से। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं इस मॉडल को बनाना। दोस्तों जैसे ही आप इन्वेंटर के डेस्कटॉप पर अपने इन्वेंटर के आइकन पर डबल क्लिक करेंगे, इस तरीके का स्क्रीन खुलकर आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ये रिबन पे आपको न्यू नजर आ रहा है, न्यू पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मेट्रिक जो है ये इस पर चेक मार्क होना चाहिए, मेट्रिक जो है वो सेलेक्ट होना चाहिए क्योंकि हमें MM में बनाना है कॉम्पोनेंट को। इसके बाद हम स्टैंडर्ड MM.IPT पर डबल क्लिक करेंगे। तो देखिए ये यहाँ से ये अब MM में सेट हो गई इसकी यूनिट। जैसा कि आपने ऑटोकैड में भी देखा था, इसका GUI भी लगभग वैसा ही है जैसे कि ऑटोकैड में। आपने यहाँ साइड में व्यू क्यूब देखा था, इसमें भी आपको व्यू क्यूब नजर आ रहा है। होम टैब है यहाँ पर, ये होम का आइकन आपको नजर आ रहा है। इसके बाद नेविगेशन बार है जिसमें पैन, ऑर्बिट और जूम की कमांड्स हैं अलग अलग। देखिए अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो जूम की कमांड हमें नजर आती है, ये पैन है और ये आपका ऑर्बिट है। यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट ट्री यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को शुरू करने के लिए यहाँ ओरिजिन का ये देखिए साइड में जो एरो बना है इस पर क्लिक करता हूँ, इसे एक्सपेंड करूंगा। ये एक्सपेंड होने के बाद देखिए हमें YZ, XZ, XY ये तीन प्लेन नजर आ रहे हैं, लेकिन परमानेंटली अभी इसे हमें ये हमें नहीं नजर आ रहा स्क्रीन पर। तो इसे परमानेंटली देखने के लिए जैसे सॉलिड वर्क्स में हम तीनों प्लेन्स को सेलेक्ट करते हैं, मैंने कंट्रोल की प्रेस किया हुआ है और तीनों को सेलेक्ट किया। फिर किसी एक पर जाकर राइट क्लिक करने के बाद मैं विजिबिलिटी पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये तीनों के तीनों प्लेन्स जो है मुझे अब परमानेंटली स्क्रीन पर नजर आने लगते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर होम पर क्लिक करता हूँ, इस आइकन पर देखिए ये डिफॉल्ट ओरिएंटेशन मुझे नजर आने लगता है 3D का। इसमें तीनों प्लेन आपको दिखाई दे रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम घुमा के देखना चाहते हैं तो सॉलिड वर्क्स में तो हम केवल स्क्रॉल बटन को पुश करके माउस को इधर उधर घुमाते थे तो ऑब्जेक्ट हमें दिख जाता था हर तरफ से, लेकिन जैसे ऑटोकैड 3D में आपने देखा होगा दोस्तों कि हम शिफ्ट की को लगातार प्रेस किए रहते हैं और उसके बाद स्क्रॉल बटन को भी पुश करते हैं। पुश किए रहने पर देखिए ये ऑर्बिट आपको दिखाई देने लगती है और हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट को हर तरफ घुमाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कंपोनेंट बनाना। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं ये स्टार्ट 2D स्केच के आइकन पर क्लिक करूंगा, ड्रॉप डाउन आता है, फिर से स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं इस प्लेन पर क्लिक करूंगा, देखिए प्लेन घूमकर मेरे सामने आ जाता है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ रेक्टेंगल कमांड को यूज करूंगा, इसका ये थर्ड ऑप्शन को, टू पॉइंट सेंटर को। अब यहाँ से ये देखिए जो सेंटर है इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद एक क्लिक जो है ये राइट हैंड साइड पर जाकर ऊपर की तरफ यहाँ क्लिक करता हूँ। ये रेक्टेंगल मुझे बनाना है दोस्तों 160x20 का। तो जैसे सॉलिड वर्क्स में आपने देखा था स्मार्ट डायमेंशन, वैसे यहाँ पर ये डायमेंशन का आइकन है। इस लाइन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखिए इस लाइन की डायमेंशन जो है वो मुझे दिखाई देने लगेगी। फिर इसे एक जगह रखने के लिए मुझे दूसरा क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं वो क्लिक करता हूँ मॉडिफिकेशन बॉक्स खुलता है इसका। अब यहाँ से मैं इस डायमेंशन को चेंज कर सकता हूँ, मैं टाइप करूंगा 160 और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए ये लाइन आपको बढ़कर दिखाई देती है, ये 160 हो जाती है डायमेंशन इस लाइन की। अब दूसरा क्लिक जो है मैं यहाँ पर करता हूँ, तो देखिए इस लाइन की डायमेंशन भी आपको नजर आने लगती है। इसके बाद ये देखिए राइट हैंड साइड में मैंने इस डायमेंशन को प्लेस करने के लिए क्लिक किया तो ये मॉडिफिकेशन बॉक्स खुलता है। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 20 और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये इस तरीके से आपको ये रेक्टेंगल बना हुआ नजर आने लगता है। दोस्तों इसके बाद हम सर्कल बनाएंगे। मैंने सर्कल कमांड की मदद से देखिए सेंटर पॉइंट का ऑप्शन लिया, यहाँ पर कहीं पर भी मैंने एक सर्कल बनाया, एक पॉइंट पर सेंटर पॉइंट पर क्लिक और दूसरा क्लिक बाहर जाकर। अब डायमेंशन पर क्लिक किया और इसकी पेरिफेरी पर क्लिक कर देखिए, क्लिक करने के बाद मुझे इस सर्कल का डायमीटर नजर आता है। मैंने इसको प्लेस किया एक जगह पर क्लिक करके,
आपको मॉडिफिकेशन बॉक्स दिखता है, तो मैं इस पर टाइप करता हूँ 40 और एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये 40 mm के डाया का एक सर्कल आपको बना हुआ नजर आने लगता है। इसके बाद इसका प्लेसमेंट मुझे जो है वो फिक्स करना है, तो फिर से मैं इस सेंटर पर क्लिक करता हूँ और दूसरा क्लिक इस लाइन पर क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। ये इसके बीच का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस मुझे नजर आने लगता है, तो मैं इसे प्लेस करता हूँ, मॉडिफिकेशन बॉक्स निकल के आता है, इसे मैं करूंगा 70। मैंने टाइप किया 70 और एंटर प्रेस कर दिया। जूम इन जूम आउट के लिए वही प्रोसीजर है, हम स्क्रॉल बटन को इधर उधर जो है घुमाते हैं, तो जिससे ये जूम इन और जूम आउट हमें दिखा होता हुआ नजर आता है। अब यहां से इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमें देखना है। मैंने इस लाइन इस सेंटर पर क्लिक किया और दूसरा क्लिक इस लाइन पर किया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे दिखाई देने लगा। प्लेस करने पर मॉडिफिकेशन बॉक्स खुलकर आता है, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 40 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। देखिए इसकी लोकेशन जो है जो हमें चाहिए थी एज पर ड्रॉइंग वो सेट हो जाती है। अब मैंने लाइन कमांड को यहाँ से लाइन पर क्लिक किया, लाइन में गया और इस सर्कल के सेंटर पर क्लिक किया और एक वर्टिकल लाइन बनाई यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर इस लाइन पर, यहाँ कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद मुझे इस लाइन को ऑफसेट करना है दोनों तरफ 6-6 mm, तो यहाँ पर ऑफसेट कमांड आपको नजर आ रही है, मैंने ऑफसेट पर क्लिक किया। फिर उसके बाद इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, देखिए राइट हैंड साइड की तरफ मैं माउस को कर्सर को लेकर जा रहा हूँ, तो डिस्टेंस मुझे शो हो रहा है, मैंने टाइप किया 6 और एंटर प्रेस कर दिया और बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करते हुए मैंने फिर से सेंटर लाइन पर क्लिक किया और इसके अब मैं कर्सर को लेफ्ट हैंड पर लेकर जा रहा हूँ, डिस्टेंस टाइप किया मैंने 6 और एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद मुझे ट्रिमिंग करनी है, तो देखिए ट्रिम कमांड पर मैंने क्लिक किया और जिस जिस हिस्से को मैं नहीं चाहता हूँ वो मैंने यहाँ से ट्रिम करना शुरू कर दिया। देखिए ये ट्रिम हो गया, इस तरीके की प्रोफाइल बनकर हमारे सामने आ गई। अब आगे इसमें क्या करना है, देखिए हमने यहाँ से सर्कल कमांड पर क्लिक किया, सेंटर पॉइंट का ऑप्शन लिया। अब ये देखिए ये जो बीच वाली लाइन आपको नजर आ रही है ये यहाँ पर इस जगह पर मैंने कहीं पे भी क्लिक किया, एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का डायमीटर मुझे लेना है 50, तो मैंने फिर से डायमेंशन पर क्लिक किया, उसके बाद इस सर्कल की पेरिफेरी पर क्लिक किया, इसकी डायमेंशन मुझे नजर आने लगी, उसके लिए फिर मैंने एक और क्लिक किया, मुझे मॉडिफिकेशन बॉक्स दिखाई दिया, मैंने यहाँ पर टाइप किया 50 और उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद इस सर्कल की लोकेशन मुझे जो है वो सेट करनी है, मैंने इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाला, इसे प्लेस किया, मॉडिफिकेशन बॉक्स खुलकर सामने आता, तो मैं टाइप करता हूँ 55 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों क्या किया कि अब एक और सर्कल मुझे बनाना है, मैंने ऑफसेट पर क्लिक किया और इस सर्कल पर क्लिक किया। अब देखिए ऑफसेट डिस्टेंस मुझे चाहिए 5, तो मैंने यहाँ पर 5 पर क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद दोस्तों हमें इसे यहाँ से कनेक्ट करना होगा, मैं फिर से लाइन कमांड पर जाता हूँ। लाइन कमांड पर जाने के बाद दोस्तों ये इस पॉइंट से इस छोटे वाले सर्कल के क्वाड्रेंट तक मैंने इस लाइन को कनेक्ट किया। जूम कर लेना ज़्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि जूमिंग से जो है गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर उसके बाद मैंने इस वाले सर्कल छोटे वाले सर्कल के क्वाड्रेंट से बड़े वाले सर्कल के क्वाड्रेंट तक एक लाइन बनाई और उसके बाद वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया नीचे की तरफ, इस लाइन से कनेक्ट कर दिया, ये जो लाइन है इससे कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों मुझे ट्रिमिंग करनी है, ट्रिमिंग के लिए मैं फिर से ट्रिम कमांड पर गया। ये देखिए इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से मुझे एक्सटेंड कमांड यूज करनी पड़ेगी, मैंने एक्सटेंड पर क्लिक किया और यहाँ से इस वाली लाइन को ऐसे छोड़ दिया। अब जो है ट्रिम करने पर फिर से मुझे ट्रिम पर जाना होगा, अब देखिए कि यहाँ से इस लाइन पर क्लिक किया
ये कनेक्शन जो है इस तरीके से आ रहा है, ये लाइन यहाँ से कनेक्ट है, फिर ये सर्कल बनता है, फिर ये कनेक्शन इधर है और यहाँ से ये कनेक्ट हो जा रही है लाइन, और बाकी हिस्से को हमने ट्रिम कर दिया। अब यहाँ से दोस्तों एक बार हम इसे शिफ्ट के साथ इसको हल्का सा घुमाया मैंने स्क्रॉल की को पुश करके, देखिए ये हर तरफ से कनेक्टेड नजर आ रहा है। अब हम यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक करते हैं। फिनिश स्केच पर क्लिक करने के बाद हम एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही मैं इस प्रोफाइल के भीतर हल्का सा क्लिक करता हूँ, टच करता हूँ, देखिए एक्सट्रूजन हमें नजर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ से हमको मतलब ये देखना है कि किस डायरेक्शन में हमें इसे लेकर जाना है। देखिए अभी 10 mm की वैल्यू थिकनेस की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ से जो है ये डिस्टेंस अलग अलग डायरेक्शन में आपको फ्लिप होता नजर आ रहा है। ये है फ्लिप डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2। इसके बगल में एक आइकन दे रखा है, ये है सिमेट्रिक। हम सिमेट्रिक का यूज करेंगे। सिमेट्रिक से क्या हुआ, देखिए 10 mm की वैल्यू इस प्लेन पर जिस पर हमने स्केच बनाया था वो दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अगर हम यहाँ पर सिमेट्रिकल ऑप्शन लेने के बाद ये वैल्यू मुझे लेनी है 70, और एंटर प्रेस किया, देखिए इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट बनकर आपके सामने आ जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें इस पर दो रिब बनाने हैं। रिब बनाने के लिए देखिए यहाँ ड्राइंग में हम देखते हैं, ये देखिए ये रिब बन रहा है। हमें एक लाइन यहाँ से बनानी है, एक टेंजेंट होगी इन दोनों सर्कल्स पर, और एक इस पॉइंट से जुड़ेगी और इस सर्कल पर टेंजेंट होगी। इस रिब की जो थिकनेस होगी वो होगी 12। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो पहले तो स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक किया मैंने, फिर से इस पर क्लिक किया स्टार्ट 2D स्केच पर, और ये वाला प्लेन सेलेक्ट किया इस पर क्लिक करके। अब देखिए दोस्तों हमें प्रोफाइल ये बनाना होगा। हमने यहां से क्या लिया कि एक लाइन ली, ये लाइन जो है टेंजेंट जो होता है वो हमेशा कनेक्ट करता हुआ जाएगा लाइन को। मैंने एक लाइन इस तरीके से ये देखिए टच करते हुए यहां से बना दी, थोड़ी सी बड़ी लाइन बनाइए दोस्तों। अब यहां पर देखिए ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। मैंने टेंजेंट पर क्लिक किया, उसके बाद इस सर्कल वाले पोर्शन पर, ये इसकी एज पर क्लिक किया, और उसके बाद इस लाइन पर क्लिक किया, देखिए इन दोनों के बीच में टेंजेंसी शो होने लगी। सेम यही प्रोसीजर इधर भी अपनाएंगे। मैंने फिर इस सर्कल पर क्लिक किया और फिर उसके बाद इस लाइन पर क्लिक किया, देखिए इन दोनों के बीच में भी ये टेंजेंसी का आइकन आपको दिखाई देने लगा। तो ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, ज्योमेट्रिकल रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो गया इन दोनों एंटिटीज के बीच में। अब जो बढ़ा हुआ पोर्शन है उसको हम ट्रिम कमांड की मदद से रिमूव कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा पोर्शन बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो जूम करने पर जो है, अगर हम जूम करते हुए काम करते हैं तो हमारे लिए आसान रहता है। बिगिनर जो है उसका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है, धीरे धीरे एक्सपर्ट होता है कोई भी। तो ये यहाँ से हम ट्रिमिंग करने के बाद फिनिश स्केच पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्लिक करेंगे रिप पर, देखिए रिप कमांड है। रिप कमांड में जाने के बाद ये ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। ये नीचे वाला पैरेलल टू दी स्केच प्लेन, इस प्लेन पर, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इस वाले लाइन पर क्लिक करेंगे कि आपको ये फिल होता दिखाई दे गया पोर्शन। अब यहाँ से हम इस पर वैल्यू देंगे, कितनी वैल्यू है इसकी, 12। हमने 12 टाइप किया, देखिए आपको थिकनेस नजर आने लगी। इसमें भी डायरेक्शन वाला मेथड वही है दोस्तों, ये देखिए ये लिया मैंने तो एक साइड पे थिकनेस जा रही है, ये लिया तो दूसरे साइड पर जा रही है, और ये है सिमेट्रिक, इससे दोनों तरफ बराबर ये 12 की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और हमने यहाँ से ओके पर क्लिक किया। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दूसरा रिब बनाएंगे दोस्तों। फिर से मैंने स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक किया और इसके बाद इस प्लेन पर क्लिक किया और यहाँ से एक लाइन बनाई। देखिए अब की बार हमारे पास ये एक एंड पॉइंट है, मैंने इस एंड पॉइंट पर क्लिक किया और यहाँ से देखिए ये गुजरती हुई एक लाइन थोड़ा सा बड़ी बना दी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें टेंजेंसी जो है वो कंस्ट्रेंट इसमें अप्लाई करना ही है। फिर से मैंने यहाँ टेंजेंट पर क्लिक किया, इस सर्कल इस एज पर क्लिक किया और इस लाइन पर क्लिक किया, देखिए टेंजेंसी शो होने लगी। इसके बाद यहाँ से ट्रिम पर क्लिक किया और ये बड़ा वो पोर्शन ट्रिम कर दिया। फिनिश स्केच पर क्लिक करने के बाद इस थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ क्योंकि इस साइड की रिप बननी है। यहाँ से रिप पर क्लिक किया, दूसरा वाला ऑप्शन लिया, इसके बाद फिर इस प्रोफाइल पर क्लिक किया,
ये ऑप्शन लेने के बाद दोस्तों यहाँ मैं इस प्रोफाइल पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से ये रिब आपको बना हुआ नज़र आ रहा। यहाँ से इसके बाद मैंने ओके पर क्लिक किया, देखिए दोनों रिब्स आपको बने हुए नज़र आ गए। अब हमें इसमें क्या करना है दोस्तों कि बाकी का बचा हुआ काम करना है। ड्राइंग हम एक बार फिर से चेक करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसके जितने कॉर्नर्स हैं इनको राउंड कर लेते हैं। चार कॉर्नर्स हैं और रेडियस यहाँ पर दे रखी है 10, तो इनको राउंड करने के लिए हम दोस्तों फिलेट कमांड को यूज करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों ये देखिए आपको यहाँ मॉडिफाई के पैनल पर आपको फिलेट दिखाई दे रहा है। फिलेट की वैल्यू हम यहाँ पहले से ही जो है वो 10 डाल देते हैं और एंटर प्रेस किया मैंने यहाँ पे वैल्यू डालकर। अब इस एज पर देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये एज राउंड हो गई। फिर इस एज पर क्लिक किया, इसके बाद मैंने देखिए इस वाली एज पर क्लिक किया, फिर इसे शिफ्ट ए और स्क्रॉल बटन दबाकर उसे पुश करते हुए मैंने घुमाया और देखिए चारों कॉर्नर्स जो है वो राउंड हो गए। अब यहाँ से ये ओके पर क्लिक किया, चारों कॉर्नर्स आपको राउंड होकर मिल गए। अब क्या करना है इसमें बचा हुआ काम, वो ये है कि ये होल हमें बनाने हैं। इन होल की लोकेशंस देखिए जो ये दे रखी है, ये जो राउंड पोर्शन हमने बनाया है इसी के सेंटर पर ये होल बनेंगे और बस ये वाले जो दो होल हैं इसी से ट्रैक करते हुए बिल्कुल सीध में बनेंगे यहाँ से, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 62 है। इनकी होल की लोकेशन भी जो है वो फिक्स है, आप देख रहे हैं इसी के सेंटर पर बनेंगे। तो हम इनको बनाना शुरू करते हैं। सर्कल का जो डाया होगा वो होगा 10, देखिए कैसे बनेगा। हमने यहाँ से लिया स्टार्ट टू डी स्केच, इस फेस को हमने सेलेक्ट किया एज अ प्लेन। इसके बाद हम सर्कल बनाएंगे, देखिए करके मैं इसकी पेरिफेरी पर जैसे ही जाऊंगा राउंडेड पोर्शन ये देखिए यहाँ पे आपको सेंटर शो होने लगेगा। इसके बाद मैं डायमेंशन की मदद से इस सर्कल को के डायर को चेंज करके 10 कर देता हूँ। इसी तरीके से हमें 6 सर्कल बनाने हैं। डायर इसका भी मैंने 10 कर दिया। इसके बाद ये देखिए ये ट्रैक करते हुए यहाँ पर ट्रैकिंग मिल रही है सेंटर की। यहाँ पे कहीं पे मैंने ये सर्कल बनाया, डायमेंशन 10 और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 62। अब एक को मैंने यहाँ पे बना दिया, दूसरा अपने आप देखिए ट्रैक हो जाएगा कैसे। एक ट्रैकिंग मुझे इसके सेंटर से ये मिलेगी और दूसरी ट्रैकिंग यहाँ से मिलेगी, देखिए इसको भी जो है 10 mm कर दिया। अब यहाँ से लोकेशन तो यहाँ इसकी फिक्स है, इसके सेंटर पर ही बनना है। तो यहाँ पर हमने जो ये देखिए सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए सर्कल बनाया है। फिर से जाना है यहाँ पर, हर बार हमें सर्कल कमांड में जाना पड़ता है यहाँ से। इसके बाद दोस्तों यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक करते हैं। फिनिश स्केच पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे। एक्सट्रूड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, देखिए ये है कट का ऑप्शन। मैंने इस पर क्लिक किया, प्रोफाइल्स पर क्लिक किया। अब मैं एक एक करके हर एक सर्कल पर क्लिक कर रहा हूँ, इसको यहाँ से घुमा दिया। घुमाने के बाद फिर सर्कल पर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद मैंने देखिए ओके कर दिया। ये सारे होल्स आपको बने हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक होल हमें और करना है, वो है यहाँ पर इस पोर्शन वाला। ये चेक करते हैं हमें कितने का बनाना है। ये डाया है 20, डाया 20 का होल हमें बनाना है। यहाँ से हमने स्टार्ट टू डी स्केच पर क्लिक किया, इसके बाद इस फेस को हमने एज अ प्लेन सेलेक्ट किया। इसके बाद हमने सर्कल कमांड की मदद से देखिए यहाँ पर जैसे ही हम गए उसका सेंटर शो हमें होने लगा। सेंटर पर एक बार फिर से हम सकते मैं कंट्रोल जेड दबाकर एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ, फिर से इसे करता हूँ। देखिए ये इसका सेंटर है,
खड़ा है 20 और मैंने फिनिश स्केच पर क्लिक किया, एक्सट्रूड पर दोबारा क्लिक किया और यहाँ से डायरेक्शन चेंज किया फ्लिप का और ओके पर देखिए ये भी जो है यहाँ से आप इसे घुमाकर देख सकते हैं और ये दोस्तों ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके प्लेन्स को अगर हमें इसे और अच्छे से देखना है तो हमें इसके प्लेन्स को जो है वो विजिबिलिटी से चेक मार्क हटा देंगे तो देखिए अब हमें ये और अच्छे से नजर आने लगे। तो दोस्तों ये था मेरा इन्वेंटर का पहला 3D मॉडलिंग का ट्यूटोरियल। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।